अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम अख्तर चैनल मेडिसन नॉलेज के साथ। आज का जो टॉपिक है मेथिकोबाल इंजेक्शन, जिसका फार्मूला मेकोबालामिन 500 mg में है और ये इंजेक्शन IM और IV यूज होती है। इसके जो यूजेस हैं और साइड इफेक्ट्स हैं मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये आप देख सकते हैं जो मेरे हाथ में है, ये मेथिकोबाल इंजेक्शन है। आप यहाँ से खोलकर इसको अंदर से देख सकते हैं, इसमें 10 जो है वो इंजेक्शन होती हैं। ये 5-5 के जो दो जो आते हैं इसमें 10 इंजेक्शन मौजूद होती हैं और ये एक बेहतरीन इंजेक्शन है। पैकेज में 10 इंजेक्शन होती हैं और रिटर्न फार्मा इसको तैयार करती है। इसकी जो प्राइस है 10 इंजेक्शन की 1271 रुपया, यानी 1271 रुपीज इसकी प्राइस है। इसका इस्तेमाल जो है मैं आपको बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। खून की कमी के लिए ये इस्तेमाल होती है। उसके अलावा जो इसके फायदे, डायबिटीज की वजह से जो कमजोरी हो जाती है उसको ये दूर करती है, कमर के दर्द को भी खत्म करती है। कमजोरी की वजह से मतलब जगहों पर जो है जिस्मानी कमजोरी जो हो जाती है उसकी वजह से जो दर्द होता है उस दर्द को ये खत्म करती है। फालिज की वजह से होने वाली जो खराबियां होती हैं, बहुत सारी खराबियां हो जाती हैं, नर्वस सिस्टम जो वीक हो जाता है उसको ये ठीक करती है। हाथ पांव का सुन्न हो जाना, हाथ पांव का सुन्न हो जाना ये बहुत ज्यादा शिकायत पाई जाती है कि बाजू जो है वो सुन्न हो जाता है, रात को सोते हुए बहुत ज्यादा नींद आ जाती है, सुन्न हो जाता है, बिल्कुल इसमें जान नहीं होती, कमजोरी हो गई है और दर्द हो जाता है, उसको ये जो है वो दुरुस्त करती है। इस इंजेक्शन का एक और बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि ये नसों को खोलती है, बीमारी के बाद होने वाली वीकनेस जो है उसको ये दूर करती है, नींद की कमी को दूर करती है, क्योंकि दिमागी कमजोरी को भी अच्छी तरह से ये ठीक करती है। बहुत ही अच्छी एक इंजेक्शन है, बहुत ही जबरदस्त इंजेक्शन है। उसके अलावा जो इसके जो फायदे हैं मैंने आपको बताया, इसके और भी बहुत सारे फायदे इसके हैं जो आपने फायदे इसके सुने। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे जो है फायदे हैं। इसके जो कुछ साइड इफेक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके ज्यादा साइड इफेक्ट तो नहीं है, मगर जो ज्यादा जो यूज करने से और डॉक्टर के मशवरे के बगैर अगर आप यूज करते हैं, अगर आप गलत यूज करते हैं तो आपको सर में दर्द हो सकता है, उल्टी मतली आपको हो सकती है। और जिन दिनों में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, 44 सेंटीग्रेड चला जाता है, 44 से भी ऊपर चला जाता है, उन दिनों में शदीद गर्मियों में अगर हम इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो हमें हमारे जिस्म में जो है गर्मी जो है पैदा हो सकती है, गर्मी ज्यादा हो जो है महसूस होती है, क्योंकि ये बहुत गर्म चीज है और इसके फायदे बहुत ज्यादा है, मगर इसके साइड इफेक्ट जो मैंने आपको बताए, ये जो मैंने आपको साइड इफेक्ट बताए ये जरूरी नहीं है कि तमाम लोगों को हों, किसी किसी को हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ज्यादा लोगों को ये साइड इफेक्ट नहीं होते। वैसे तो ये बहुत अच्छी इंजेक्शन है, मगर बेहतर यही है कि आप किसी अच्छे से डॉक्टर से मशवरे के बाद ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको क्या जरूरत इसकी है या नहीं है। इसकी टेबलेट भी आती हैं, आप टेबलेट भी यूज कर सकते हैं डॉक्टर की एडवाइस से। अगर आपको वीकनेस ज्यादा है, वो डॉक्टर ही जानता है आपको कितनी वीकनेस है, तो डॉक्टर ही आपको सजेस्ट कर सकता है इंजेक्शन पर। और ये IM और IV दोनों जगहों पर लगाई जाती है। हफ्ते में इसका जो दूसरे जो 3 इंजेक्शन जो है हफ्ते में लगाई जाती है, यानी आज लगाई और एक दिन छोड़कर फिर दूसरे दिन लगाई जाती है। और डॉक्टर के एडवाइस ये भी होती है, जिसको वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है उनको डेली भी लगवानी पड़ जाती है, मगर ये डॉक्टर ही सजेस्ट कर सकता है, वही आपको अच्छी तरह से बता सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को टिक करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर हाजिर हूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।